नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर सांसद सैनी ने उतारा उम्मीदवार। नगर निगम के चुनाव की घंटी बजते ही सभी दल पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगी हुई हैं। यमुनानगर में जहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, वहीं आज राजकुमार सैनी ने भी लोकतंत्र सुरक्षा मंच की ओर से सुशील जैन को मेयर पद प्रत्याशी उतार घोषित कर दिया है और उसका नामांकन करवाने यमुनानगर पहुँचे हैं। जहाँ लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं विकास के, ये तो वो पूछेंगे सवाल कि आप किस लिए आए। पूरा यमुनानगर, यमुनानगर नहीं जर्जर है, ये पूरे यमुनानगर के सारे बसे की एक आउटर बाईपास को छोड़ के अंदर तो आज भी वही जाम। मैं अभी बाईपास से उतर के आया, ये खड्डे 3 साल पहले भी थे और आज भी कंटिन्यू। ये तो निपटा हुआ कौन बाया है, अब तो ये देवीलाल ट्रस्ट के ऊपर जो माल इकट्ठा कर रखा जनता का उसको बांधने पर जूता भजना है। देखिए, देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हर कोई अपने धर्म को मानता है। जो देश, जिस देश में जो जो समाज बड़े लेवल पर रहता है, वो हमेशा दूसरे समाजों के प्रति कहीं ना कहीं जो अपना प्रेशर है वो दिखता रहता है। भारत की एकता भिन्नता में एकता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अभी हम अपने धर्म को दूसरे के धर्म के मानने के लिए दूसरे को डिस्टर्ब करें। हमारा विषय ये है कि हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में अगर हिंदू कहने मिजोरम है तो फिर क्या पाकिस्तान में जाएगा हिंदुस्तान कहेंगे। मुझे पता है कि इलेक्शनों में आकर के ही गुमा करती हैं और मंदिर याद आते हैं, उससे पहले सरकार के 4-4 साल निकले। राजनीति षड्यंत्रों का ताजा तो है ही, हम इसे शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र हो। लोकतंत्र गौण है, चोर दरवाजे के घुसे हुए लोग षड्यंत्रों से इस देश में राजनीति कर रहे हैं। अन्यथा आप बताएं, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज इस देश की नेतृत्व के एलिजिबल है? वो अगर उनको अपने देश के समस्याओं के प्रति किसी चपरासी की क्लास में बैठा दिया जाए कि आप एक चपरासी की क्या ड्यूटीज और क्या समस्याएं हैं, वो उनको भी बता नहीं पाएंगे।